Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Deepti and आज के वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ये हमारा क्लास सेवेंथ का एक चैप्टर है. तो दिस इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन को हम मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं. रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. अब न्यू इंडिविजुअल कब हमारा फॉर्म होगा? जब वो मल्टीप्लाई करेगा. जब वो मल्टीप्लाई करेगा तभी तो हमारा रिप्रोडक्शन फॉर्म होगा, हमारा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा. दैट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस to form its own kind. जब वो खुद का ही कोई एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है सिमिलर टू द पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन. So, it is the most important characteristic of living organism. Most important. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. It is the basic life process. Basic life process. Living organisms ka basic life process hai. Taki ek living organism ki ek continuity bani rahe hamesha. So this is the introduction or you can say the definition of reproduction. Now let's see it in detail. अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो उसके लिए वी हैव अ टॉपिक नेम्ड एज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब भाई क्या टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के? क्या मोड हैं? किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है? तो अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन सिर्फ टू टाइप्स में ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. तो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट इस चैप्टर में हम जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो हम वेजिटेटिव का ही पढ़ेंगे. वेजिटेटिव का ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है इस वजह से. तो लेट्स सी व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सिंपल डिविजन ऑफ प्लांट बॉडी इंटू टू और मोर प्लांट्स. जब नॉर्मल विदाउट गैमिट्स, वी कैन से विदाउट गैमिट्स या फिर विदाउट मेल गैमिट और विदाउट फीमेल गैमिट. इसमें हमें गैमिट्स की जरूरत नहीं होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन which takes place by the formation of gametes. So, इसमें हमें two parents की जरूरत होती है. Two parents are needed to give rise to a new individual. And if we talk about vegetative reproduction, तो मैंने आपको बताया था it is also a type of asexual reproduction. But in this, a cell or a tissue or a part of a plant, कोई भी एक part plant का,
वही डेवलप हो जाता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। प्लांट का कोई भी सेल, एनी टिश्यू और अ पार्ट, जिसको कि हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, तो कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, कहीं से भी वो मल्टीप्लाई करता है एंड मल्टीप्लाई होने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट मींस एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें कि हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है एंड किसी भी गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा होता है बाय बडिंग, बाय बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है, बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट फर्स्ट बडिंग। अब बडिंग होती क्या है, बडिंग दैट मींस एक बड की फॉर्मेशन होना। यस, किसी भी बड की फॉर्मेशन होना। अब वो बड किस तरह से होती है, तो जितने भी हमारे लाइक फॉर एग्जांपल जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जांपल ईस्ट, ये ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा बाय बडिंग, दैट मींस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किस तरह से इसमें बड फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल में क्या होता है कि इस पेरेंट सेल में ना एक बड फॉर्म हो जाती है। इट्स अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल, इसको बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, इट्स अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन विच इज नोन एज बड। तो ये इस तरह से एक बड की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ ये जो बड है ये हमारी ग्रो करती है, ग्रो करेगी एंड इट गेट्स सेपरेटेड, सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट सेल, इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड व्हाट हैपन, अ न्यू ईस्ट सेल इज फॉर्म्ड। एक न्यू ईस्ट सेल हमारी यहां पर फॉर्म हो गई। अब आगे क्या होगा कि यही ईस्ट सेल हमारी फिर से ग्रो करेगी एंड ग्रो करने के बाद इस पर भी एक न्यू बड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बड हमारी ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ईस्ट सेल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ईस्ट सेल ग्रो करती है, बड बनती है, बड के बाद वो बड मैच्योर होती है, इट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड अ न्यू ईस्ट सेल और अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बड को लगता है अपने न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था बाइनरी फिजन। अब देखो बाय मीन्स होता है टू, फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन। यस, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो अब फिजन क्या है, डिवाइड होना, ब्रेक डाउन हो जाना, फिजन मीन्स डिवाइड।
यानी कि एक इंडिविजुअल हमारा दो में डिवाइड होगा. दिस इज बाइनरी फिजन. भाई एक इंडिविजुअल है, दो में डिवाइड हो गया. सो दिस इज बाइनरी फिजन. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू टू और मोर न्यू इंडिविजुअल. बेसिकली अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके चलें तो एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया. अब इस बैक्टीरिया में क्या होता है, सी दिस, इफ दिस इज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. तो क्या होगा भाई, ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म. सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा. साइटोप्लाज्म ग्रो करने पे क्या होगा भाई, कोई चीज, किसी चीज को आप स्ट्रेच आउट करते हो तो स्ट्रेच करने पर उसमें बीच में ब्रेक आने स्टार्ट हो जाते हैं. उस ब्रेक आने से क्या होगा कि इस साइटोप्लाज्म में ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा दो में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड जैसे ही सेल मैच्योर होगा, ये हमारे पास टू न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाएंगे, ये यहां से सेपरेट हो जाएगा. सो दिस इज बाइनरी फिजन. इट इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स. बिल्कुल एग्जैक्टली टू हाफ्स होते हैं एंड दे आर सिमिलर टू दी पेरेंट सेल. एग्जाम्पल इसका आ जाता है हमारा बैक्टीरिया. सो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बचते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. नाउ लेट्स सी दीज टू. अब अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट व्हाट हैपेंस इज, इसका एग्जांपल हम लेते हैं एल्गी. तो इसमें होता क्या है कि जो एडल्ट एल्गी ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा एल्गी है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एन एल्गी, ये हमारा एडल्ट एल्गी है. तो ये एडल्ट एल्गी, ये ऑर्गेनिज्म हमारा ब्रेक हो जाता है. ये हमारा ब्रेक हो गया, दैट मीन्स इसके थ्री पार्ट्स बन गए. सो ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो अप टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. इसका एग्जाम्पल एल्गी में हमारा है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गी. तो स्पायरोगायरा किस तरह से डिवाइड करता है, इट बाय फ्रेगमेंटेशन. जो एडल्ट स्पायरोगायरा होगा हमारा, उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे और जहां से भी ब्रेक आएंगे वही एक ब्रेक हमारा एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा. तो ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स ग्रो अप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. इट्स वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सी दी लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विच इज स्पोर फॉर्मेशन. एज द नेम सजेस्ट, यानी कि भाई इसमें अब स्पोर्स फॉर्म होते हैं. मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा ये, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड. एग्जाम्पल फंजाई. और बैक्टीरियाज में भी स्पोर फॉर्मेशन होती है. तो हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे फंजाई का. फंजाई का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक हमारा है राइजोपस. राइजोपस इज अ टाइप ऑफ फंजाई. राइजोपस में क्या होता है बेटा, दिस इज राइजोपस.
क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं. The spores develop in a structure called sporangium. So when the spores are released, like for example, ये sporangium हमारा mature हो जाता है और mature होने के बाद it burst out. ये burst out हो जाता है. तो burst होने पे क्या होता है, ये spores हमारे release हो जाएंगी air में. So they keep floating in the air. और ये इतने small और tiny होते हैं, बहुत small, tiny, लाइट वेट होती है कि ये एयर्स के थ्रू ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर लेती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है. इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप कर लिया. सो इट्स अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जैसे ही इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन मतलब इनको मॉइस्चर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो जैसे इनको इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये वहां पर उस सबस्ट्रेट पर जाकर अटैच हो जाएंगी और वहीं पर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं. सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इन अ फंगस कॉल्ड राइजोपस. अब बाई अनफेवरेबल कंडीशंस में तो हमने देख लिया कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म को, सॉरी फेवरेबल कंडीशन में देख लिया कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देती है. बट व्हाट हैपेंस जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर है ये अपने अराउंड एक हार्ड कवरिंग, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से ये सराउंडेड होता है, जिसकी वजह से अगर इनको हम हाई टेम्परेचर भी देना तब भी इस स्पोर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं. आप इनको ड्रॉट दे दो, आप इनको कैसा ही एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दो, बट इस वो छोटे से स्पोर पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो एक हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं. और फिर जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, दे ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव डन बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर. Thank you so much. Have a good day. And yeah, don't forget to like, share and comment and subscribe to this channel. Thank you so much all of you. Bye-bye.